एज का द्वारा होने वाली 95% बीमारियाँ को ख़त्म किया जा सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकते हैं। हमारे शरीर में नस नशे में सेल में अगर अच्छा से खून और ऑक्सीजन पहुंचता है तो ये पॉसिबल है सिंपल सिंपल प्राकृतिक व्यायाम का द्वारा। अगर हम हर रोज़ बैठ के जॉब करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो इस वीडियो में दिखाने वाली हर एक सिंपल स्ट्रेचिंग को आप अप्लाई करें, 2 मिनट ब्रेक के साथ इन्वेस्ट करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, आई एम अर्चना। आई हेल्प पीपल टू हील देयर क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉलोइंग योगा एंड नेचुरोपैथी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट डू ब्रीदिंग 2 or 3 times एंड कंप्लीटली फोकस ऑन योर ब्रीथ। Then both hands together, inhale up, exhale down. Practice 10 times, if possible, just repeat this one. अगर आप completely stretch feel करें, free feel करें, तो इसको जितना हो सके आप गहरी बनाएं breath को, deep inhale करें, deep exhale करें. Then both hands head के साथ adjust करके bend करें back में, जितना हो सके चेस्ट को ओपन करें। देन लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेच करें। आपका रिब केज एक्सपैंड होना चाहिए, जितना हो सके स्ट्रेच होना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग मसल्स स्ट्रेच होने का द्वारा आपका शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाते हैं। देन आप क्रॉसिंग करें, ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल रखें और क्रॉस करने की कोशिश करें। आपका लेफ्ट एल्बो को राइट की तरफ, राइट एल्बो को लेफ्ट की तरफ एडजस्ट करने की कोशिश करें। इसके बाद आप जस्ट कॉन्स्ट्रैक्ट करें चेस्ट मसल्स को, देन एक्सपैंड करें। नाउ बोथ हैंड्स टुगेदर एंड इनहेल, गो लेफ्ट, एक्सेल गो राइट। ब्रीथ को आप नॉर्मल रखें यहाँ पर और बोथ साइड स्ट्रेच करें। इस पोस्चर को आप होल्ड भी कर सकते हैं। एंड नाउ आप एल्बोस को इनहेल करते करते आप करें, एक्सेल करते करते डाउन करें। इनहेल करते करते बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करें। जब आप स्टे कर रहे हो ब्रीथ को नॉर्मल रखें, एक्सेल कम बैक, इनहेल ट्विस्ट योर बॉडी, एक्सेल स्लोली कम बैक। इस पोस्चर को बौद्ध पद्मासन, जब आप होल्ड करते हो आपका ब्रीथ नॉर्मल रहना चाहिए, बिल्कुल ही नॉर्मल रखें, सिंपल इनहेल एक्सेल करें। देन हैंड्स को चेंज करके इस पोस्चर को आप होल्ड करें, बहुत ही अच्छा कंफर्ट देता है ये। आपका पूरा से पूरा अपर बॉडी बहुत अच्छा से रिलैक्स करते हैं, आपका ट्रैपेजियस मसल को कॉन्स्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए आपका अपर बॉडी में बहुत अच्छा सर्कुलेशन होता है। एंड नाउ बोथ हैंड नमस्कार, इनहेल गो डाउन। अगर इस पोस्चर में आप होल्ड करते हो ब्रीथ को नॉर्मल रखें, अगर आप सीक्वेंस के साथ करते हो, मतलब इनहेल के साथ आप बेंड किया, एक्सेल के साथ वापस आया, ऐसे भी कर सकते हो। और जब इस पोस्चर को होल्ड करते हो उसी वक्त आपका ब्रीथ नॉर्मल रखे, फॉरवर्ड स्ट्रेच करें एंड लेफ्ट एंड राइट भी स्ट्रेच करें। और आपका जो एल्बो है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, सिर्फ आपका स्पाइन को ट्विस्ट होगा, इसलिए आपका बोथ हैंड्स लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेच करें। इस प्रकार की सिंपल सिंपल जो प्राकृतिक व्यायाम है आप हर रोज करें, 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करें, आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।